Assalamualaikum viewers, मैं हूँ शेफ फरदा और एक बार फिर वेलकम टू द नेस्ले मिल्क पैक किचन। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त शेक लेके आई हूँ जो कि आपने शायद पहले उसका नाम नहीं सुना होगा। मेरी हमेशा और नेस्ले मिल्क पैक किचन की पूरी टीम की हमेशा ये कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ हट के डिफरेंट मज़ेदार और झटपट रेसिपीज़ लेके आएँ जो आप अफ्तारी में आसानी से बना सकते हैं। इसके साथ ही चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ जो कि है मिल्की रोज शेक। लगा ही नाम सुन के कुछ डिफरेंट, यस ये भी बहुत डिफरेंट सी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा मिल्क शेक बन रहा है ये रोज़ मिल्की शेक। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तकरीबन 3 स्कूप, रूह अफ़ज़ा मैंने रखा है गार्निशिंग के लिए तो ये आप अलग से रखिएगा, स्ट्रॉबेरी सिरप जाएगा इसके अंदर, मैं स्ट्रॉबेरी सिरप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर सीज़न में फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये इसके टेस्ट को और इन्हेंस कर देगा और मज़ेदार और दोबाला कर देगा। इसके साथ ही हमें चाहिए बादाम पिस्ते गार्निश के लिए, कंडेंस मिल्क चाहिए, वेफर्स चाहिए गार्निशिंग के लिए और ऑफकोर्स आइस क्यूब और नेस्ले मिल्क पैक का दूध। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिल्की रोस्ट शेक बनाना। पहले हम ब्लेंडर में डालेंगे हमारी आइसक्रीम, ये गई ब्लेंडर में हमारी तकरीबन 3 स्कूप आइसक्रीम। इसी के साथ ही इसमें जाएगा स्ट्रॉबेरी सिरप, स्ट्रॉबेरी सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को इन्हेंस कर देगा। और अगर रियल आप जो है फ्रेश स्ट्रॉबेरीज या फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज अगर आपके पास हैं आप वो यूज़ करें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। कंडेंस मिल्क जाएगा यहाँ पे अभी तकरीबन 1/2 कप, ये बहुत ही स्वीट सा बनेगा लेकिन अच्छा फ्लेवर होगा इसका, आई एम श्योर। और इसके साथ ही इसमें जाएगा नेस्ले मिल्क पैक का दूध। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ नेस्ले मिल्क पैक दूध में कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, विटामिंस हैं। आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जब भी कोई चीज़ बनाए तो हमेशा नेस्ले की प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये 100% प्योर है, इसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं है। मैं एक ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ नापने के लिए क्योंकि हम इसमें 3 कप जो है वो मिल्क डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है ये दूध, खुले दूध से बहुत अच्छा है। 1 कप UHT प्रोसेस्ड है, टेट्रा पैकिंग में है जिससे इसमें कोई भी जर्म्स वगैरह नहीं होते। 2 कप और लास्ट मैं एक और मिल्क पैक का दूध इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे, ये खुल गया मेरा नेस्ले मिल्क पैक का दूध और ये गया हमारा 3रा ग्लास ब्लेंडर में। इसी के साथ मैं अब इसमें डालूंगी आइस क्यूब्स। किचन में काम करते हैं तो ऑफकोर्स स्वेटिंग तो होती है तो मैं रोज पेटल फेशियल टिश्यूज का इस्तेमाल करूंगी जो कि अल्ट्रा सॉफ्ट टच से बना है, जो कि आपकी स्किन के लिए बिल्कुल रफ नहीं है, बहुत ही स्मूथ है। रोज पेटल जो है वो पाकिस्तान का नंबर 1 टिश्यू ब्रांड है जो कि नित नए प्रोडक्ट्स आए दिन इंट्रोड्यूस करवाता रहता है अपने कंज्यूमर्स के लिए ताकि आपकी लाइफ साफ और आसान रहे। तो अल्ट्रा फेशियल टिश्यू इस्तेमाल कीजिए रोज पेटल के लिए और अपनी स्किन को सॉफ्ट रखिए और डैमेज होने से बचाइए। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी आइस क्यूब्स। ये मैंने लगाया ब्लेंडर का लिड और अब मैं करूंगी इसको ब्लेंड। जी हमारा मिल्की रोस्ट शेक जो है वो रेडी हो चुका है, मैं इसको ग्लास में निकाल रही हूँ। अब
देख सकते हैं इसका कलर कैसा आया है, कितना स्मूथ है, स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा लग रहा है। ये स्ट्रॉबेरी शेक से बिल्कुल हटके बनेगा लेकिन बहुत ही अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अपनी रेसिपी, अपने इफ्तार के लिए इस रेसिपी को। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको, मैंने आज भी जो है नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम को फ्रिज में बिल्कुल चिल करके उसको व्हिप करके तैयार रखा हुआ है। मैं इसको उस के साथ पैकिंग बैग में डाल के इसकी गार्निशिंग करूँगी और फिर आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। मैंने ये आप देख सकते हैं व्हिपिंग क्रीम जो है इसके ऊपर गार्निश कर दी है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सिरप ही लूँगी, या आप रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं, जो भी आप चाहें एज़ योर विश। अगर स्ट्रॉबेरी सिरप है तो वो ले लीजिए। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डालूँगी ये ऐसे, और बादाम पिस्ते से मैं इसको गार्निश करूँगी। थोड़े से मैंने चंक्स काट के रखे हैं यहाँ बादाम पिस्ते के, और स्ट्रॉबेरी वेफर से हम इसको टॉप करेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार से हमारा मिल्की रोस्ट शेक जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा मिल्की रोस्ट शेक जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसकी गार्निशिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और मुझे यहाँ तक स्ट्रॉबेरी की बड़ी मज़ेदार सी खुशबू फील हो रही है। इफ्तार में ट्राई कीजिएगा और फिर ज़रूर हमसे अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही शेफ़ पर्दा को इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम एक नई रेसिपी के साथ। तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।